मध्य प्रदेश रीवा की ओर चलते हैं, जहां ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष मनोनीत हुए अमित द्विवेदी। बताते चले कि ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की चल रही उठा पटक के बीच ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रहे अनिल मिश्रा को हटाकर अमित द्विवेदी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नवीन कार्यकारिणी गठित करने के पश्चात एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता कर निवर्तमान ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल मिश्रा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए और नवीन कार्यकारिणी के संबंध में पत्रकार वार्ता के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। कार्यकारिणी का समय था कि शायद स्थितियां सही हो जाएं तो फिर समूह के रूप में सबको एकत्रित करके विघटित रूप से मतलब बिल्कुल बृहद रूप से चुनाव कराया जाएगा जो कार्यशैली होती है उसके माध्यम से। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि दूसरी लहर कोरोना की आई और जिसके चलते ये सब संभव नहीं था गाइडलाइन के अंतर्गत। तो चुनाव नहीं हुआ तो क्या ये माना जा सकता है कि अध्यक्ष वही है? अध्यक्ष वो नहीं है, कार्यकारिणी के निर्णय लिया गया, संगोष्ठी बिठाई गई, मीटिंग ली गई और सब कार्यकारिणी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं सबके मत अनुसार उनको पद से वंचित किया गया और नए प्रभारी का गठन किया। क्या उन्हें कोई सूचना दी गई थी? बिल्कुल दी गई, पूरी सूचना फिर भी वो दावा कर रहे हैं फोन के माध्यम से दी गई थी, मतलब कोई पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है विधिवत इसके बैठक डॉक्यूमेंट में कोई एविडेंस है कि आपने बैठक की है उनको ऐसे नोटिस दिया कि आप बिल्कुल हटाया जा रहा है इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपको मतलब फोन के माध्यम? उनको पिछले एक वर्ष में जो उनकी कार्यशैली थी उनको कई बार उनको सूचित किया गया कि जो उनका लेखा जोखा लेन देन का है वो क्लियर किया जाए, उसमें लगातार अनियमितता पाए जाने के कारण ये नियम लिया गया। केवल फोन के माध्यम? जी केवल फोन के माध्यम, फोन के माध्यम से नहीं, आमने सामने रूबरू होकर पेपर के माध्यम। आप अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए क्या चुनाव कराने क्या योजना? अभी हम लोग कार्यकारिणी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है बैठक करके, आप अमित कुमार द्विवेदी जी नए अध्यक्ष व संभाग के अध्यक्ष पूर्व चुने गए हैं वर्तमान कार्यशैली को आगे प्रवाहित करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते एक साल का कार्यकारिणी समय दिया गया है, अगर स्थिति सुधरती है तो बृहद रूप में चुनाव कराया जाएगा जो नियमावली है। सर चूँकि हमने देखा था ट्रांसपोर्ट नगर में कई चुनाव में देखे हैं वो मैंने ही कराया, बाकायदे चुनाव होता है उसमें वोटिंग होती है, हाँ, वो मीडिया में आता है पॉपुलर होता है, मतलब इस तरह से चुनाव में तो जो चुनाव की कार्यशैली है उस विधि से हुए थे, अब वो आपके ही माध्यम से आपकी ही संस्था के माध्यम से आपके एसोसिएशन के माध्यम से कराए गए। पहले महेंद्र सिंह हुए थे, फिर 2003 में फिर रजनीश पांडे थे, रजनीश पांडे जानते हैं ट्रांसपोर्ट नगर में। आप चूंकि इस विवाद को खत्म करने के लिए आप लोग क्या चुनाव कब करा पाएंगे? भाई अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में तो निर्णय नहीं ले सकते, कलेक्टर साहब परमिशन नहीं देंगे, मतलब आपकी एसोसिएशन ने निर्णय ले लिया है? हाँ निर्णय ले लिया है, पदाधिकारियों ने लिया है, मोटर मालिकों ने अपनी सहमति दी है। अध्यक्ष पदाधिकारी अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें कितनी सच्चाई है, कौन अध्यक्ष की अभी तक कोई चीज़ें सामने आ पा रही है? जहाँ तक इस एसोसिएशन की सच्चाई की बात है तो लगभग 18 वर्ष पहले संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ, गठन हुआ, जिसके माध्यम से अभी तक वर्तमान में 4 अध्यक्ष दिए गए हैं। प्रथम अध्यक्ष आपके थे अमित कुमार द्विवेदी बच्चू, इनका कार्यकाल समय 5 वर्ष रहा, यह चुनाव के द्वारा हुए थे। द्वितीय जो रहे आपके महेंद्र सिंह जी रहे, जिनका भी कार्यकाल समय 5 वर्ष रहा, ये भी निर्वाचित होकर आए थे जिला अध्यक्ष। तृतीय आपके जो थे रजनीश पांडे जी, ये भी जिला अध्यक्ष के पद पर रहे, जिनका कार्यकाल समय 7 वर्ष रहा। चौथे वर्तमान पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी उर्फ मुन्ना जी थे, इनका कार्यकाल समय मात्र 1 वर्ष था। ये अनिल तिवारी जी ने कल एक बयान जारी किया जिसमें ये बताया कि वो लोग जो पदाधिकारी बने बैठे वो सब फर्जी हैं। जी क्या कहेंगे आप? वो रिकॉर्ड है हमारे पास, लेटर पैड दिखाइए। आप बोलते रहे? हाँ बोलते। देखिए क्या है कि जब अनिल तिवारी उर्फ मुन्ना जी हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे तब तक
वह सबको पहचानते थे, वह सब तक सबको पहचानते थे और सब उनके लिए बराबर के पदाधिकारी थे। और आज जब उनको कार्यकारिणी ने, इस कार्यकारिणी ने उनको बाहर कर दिया, तो अब वो किसी को नहीं पहचानते, जिसका प्रमाण यह लेटर पैड है, जहां एक तरफ संभागीय अध्यक्ष अमित कुमार द्विवेदी और दूसरी तरफ अध्यक्ष जिला रीवा अनिल तिवारी उर्फ मुन्ना जी हैं। तब तक पहचान बराबर थी, और जब कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया उनके उनको, तब वो पहचानना बंद कर दिए। और उस समय जब यह कार्यकारिणी में, एक वर्ष की कार्यकारिणी में अध्यक्ष थे, ये तमाम पदाधिकारी थे, इनको भी ये पहचानते थे। आज इनको पहचानने से मना कर रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खेद उनके लिए प्रकट कर सकते हैं, ऐसी मानसिकता के लिए। क्या एक यूनियन होती है जिसमें सारे मोटर मालिक जो होते हैं वो एक यूनियन पर भरोसा करते हैं और यही चाहते हैं कि विपदा के समय में हमारे साथ खड़े हो। ऐसे में जब यूनियन के लोग एकत्रित नहीं है तो कैसे उनकी सहायता कर पाएंगे आप? देखिए, कोरोना काल के समय में सूक्ष्म रूप से गठन किया गया पदाधिकारियों को बुलाकर, प्रथम चीज। दूसरी, कार्यशैली पारदर्शिता न होने के कारण, कार्यशैली में उनके पारदर्शिता न होने के कारण उनको पद से वंचित किया गया है। और कार्य समिति की बैठक बुला के कार्यकारिणी द्वारा किया गया, किसी एक जन का यह फैसला नहीं है। ये काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि बोर्ड नित्य नए अपने आप को अधिकारी प्रमोट कर रहे हैं यूनियन का, तो मतलब कोई आप में कोई यूनिटी नहीं है, या फिर आप ये मानते हैं कि इसमें भी राजनीति शुरू है? यह आपका कथन सत्य है कि राजनीति है, यूनिटी है, लेकिन आपने अभी जो अंतिम शब्द कहा कि यूनिटी नहीं है, राजनीति, तो राजनीति यहाँ प्रमुख कारण है। क्या मैसेज देंगे आप मोटर मालिकों को कि मतलब इस विपदा की स्थिति में क्या करेंगे, क्योंकि आप पे कोई एक तो है नहीं जिसके पास को जा सके अपनी पार्टिकुलर समस्या लेकर, तो कैसे आप कहोगे कि आप इनके पास नहीं हमारे पास आओ, कैसे आप मैसेज दे सकते हैं? देखिए, इसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर रहा है, संज्ञान में लाया गया है। जैसे हमने अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक जो हमारा राज्यपाल के ऑफिस से कार्यालय के माध्यम से हुआ है, और हमारी संस्था का 18 वर्ष पुराना इतिहास है, जिसके अंतर्गत पूर्व में जितने भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में अगर इससे ज़्यादा कोई है तो पब्लिक उनके पास जाने के लिए आज़ाद है, कार्यशैली के हिसाब से वो उनका चुनाव करें।